दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज करके आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को दो अलग अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब अपना कंप्यूटर आप यूज करने के लिए किसी को शेयर करेंगे तो उस टाइम जो बंदा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एक्सेस करते रहेगा आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि मैं बताने वाला हूं इसमें आपको दो ऐसी ट्रिक्स जिसका यूज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको यूजर अकाउंट अपने सिस्टम में कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं जिसमें हमको जाना है स्टार्ट मेनू में और यहाँ पर टाइप करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए ये कंप्यूटर मैनेजमेंट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमको जाना है लोकल यूजर एंड ग्रुप्स में। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे खुल गए यूजर और ग्रुप। तो हमको सिंपली यूजर्स पे राइट क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए आ गया है न्यू यूजर के लिए। अब हमको क्या करना है कि न्यू यूजर पे क्लिक करना है क्योंकि हमको अपने सिस्टम में एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो मैंने न्यू यूजर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम, तो चलिए मैं यूजर नेम लिख देता हूँ एडमिन, फुल नेम में भी एडमिन ही डाल देता हूँ। तो आप इस यूजर के लिए यहाँ पे ये पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस यूजर के लिए कोई पासवर्ड रहे, कि अगर कोई यूजर आता है तो पासवर्ड को पुट करने के बाद भी एक्सेस करे आपके सिस्टम को। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट में जाके इस अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है और देखिए अकाउंट आपका एड हो गया। अब हम कैसे हमको पता चलेगा कि अकाउंट क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो हमको सिंपल यूजर्स में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये एडमिन, ये अकाउंट हमने अभी जस्ट क्रिएट किया और बाकी ये जो सारे अकाउंट आपको दिख रहे हैं ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अकाउंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस यूज़र को आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो देखिए सिंपली आपको यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए जैसे आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आप सेट पासवर्ड का है और आपका ऑल टास्क और नीचे में है डिलीट, रीनेम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। तो हमको इस अकाउंट को डिलीट करना है तो हम इस सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द यूज़र एडमिन, तो हमको एस पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ से यूज़र हट गए। तो दोस्तों ये था पहली ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक चलिए आपको बताता हूँ कि आप यूज़र कैसे क्रिएट कर पाएंगे और उसको डिलीट कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। चलिए मैं इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद हमको जाना है कंट्रोल पैनल में। तभी मैं कंट्रोल पैनल में आ गया हूँ। इसके बाद आपको जाना है यूज़र अकाउंट्स में। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हो डीसी नेटवर्क्स, ये एडमिन अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमको मैनेज अनदर अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पे सिंपल इसमें क्लिक कर देते हैं और आप देख पा रहे होंगे एड ए न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग्स, तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सारा जो होम पेज है वो खुल गया है और इसके बाद हमको आना है फैमिली एंड अदर्स यूज़र में। क्लिक करने के बाद हमको, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके बाद हमको यहाँ पे एड समवन एल्स में क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको देखिए जाना ये एक पेज ओपन हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमको ईमेल और फ़ोन नंबर मांग लें, बट हमको यहाँ पे ईमेल से इसको रजिस्टर नहीं करना, तो हमको सिंपली नीचे आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है। तो हमको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा और देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है एड ए यूज़र विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो हमको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ गया। तो जैसे हमने वहाँ पे एडमिन अकाउंट किया था यहाँ पे हमने सेम एडमिन ही क्रिएट किया। हमको यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट नहीं करना है तो हम पासवर्ड सेट नहीं करेंगे, सो हमको नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये एडमिन अकाउंट क्रिएट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। यूज़र अकाउंट में आ जाते हैं, मैनेज अनदर, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया था तो एडमिन अकाउंट आ गया। तो चलिए अब इसको डिलीट कैसे करना है, तो आपको सिंपली इसके जस्ट बगल में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और डिलीट फाइल करना है और डिलीट अकाउंट करना है, तो वो अकाउंट पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो दोस्तों इन दो ट्रिक का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में एक अलग से लॉगिन अकाउंट
क्रिएट कर पाएंगे, जिसे जो भी नया बंदा आता है या जो नया यूज़र आता है आपके अकाउंट में, तो डायरेक्ट आपके एडमिन फाइल के साथ छेड़छाड़ ना करे, उसको सिस्टम यूज़ करना है तो आपके गेस्ट अकाउंट में या जो आपने यूज़र अकाउंट बनाया है उसके थ्रू आपको सिस्टम को एक्सेस करे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ।